नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये अद्भुत विशेषांक हमारे श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी के चरणों में समर्पित है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज सभी दर्शकों के लिए यह विशेषांक बड़ा ही भाग्यशाली होने वाला है। हमारे सभी दर्शकों को एक अद्भुत महाराज जी के विषय में जानकारी आज के विषय से मिलने वाली है। यूं तो हम सभी महाराज जी की सभी अद्भुत लीलाओं से वाकिफ हैं, हम सभी महाराज जी की अद्भुत लीलाओं को भली भांति जानते हैं। जितने भी अनन्य दर्शक महाराज जी से जुड़े हुए हैं और महाराज जी की जितनी भी बातें हैं उनका अनुभव अपने जीवन में कर रहे हैं, तो वह स्वयं को आज से अभी से भाग्यशाली मानना प्रारंभ कर दें। महाराज जी की जो लीलाएं हैं, महाराज जी का जो सानिध्य है, वे इतना अद्भुत है कि महाराज जी से जुड़ने वाला प्रत्येक अनन्य भक्त महाराज जी का ही होकर रह जाता है। हमारे महाराज जी इतने दयालु हैं, बाबा जी इतने दयालु हैं कि उनकी शरण में कोई भी, चाहे वो नर हो, चाहे वह नारी हो, चाहे वे एक छोटा बालक हो या वयोवृद्ध हो, कोई भी महाराज जी की शरण में उनके सानिध्य को प्राप्त करने में बड़ा ही अद्भुत अनुभव करता है। वैसे तो महाराज जी के पास जाना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। महाराज जी एक ऐसी अनन्य विभूति हैं कि महाराज जी से जुड़ना सबसे आसान कार्य है। बाबा बड़े भोले हैं, ये वाक्य अपने आप में परिपूर्ण है। जैसा जैसा एक एक शब्द इस वाक्य का है, ऐसा ही यह प्रतीत होता है और ऐसा ही परम सत्य है। बाबा बड़े दयालु हैं, बाबा जी के चरणों में आप अपने शीश को जब नवाते हैं तो आप स्वयं को बाबा जी के पास ही सदा के लिए छोड़ आते हैं। महाराज जी कई अनन्य कथाओं में, महाराज जी की अनन्य जितनी भी कथाएं हैं, कोई व्याख्यान है, उन सभी में एक बात सामान्य रहती है कि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों के लिए सदा विराजमान रहते हैं, सदा उनके जीवन में महाराज जी का आशीष रहता है और सदा महाराज जी उनके जीवन को स्वयं व्यक्तिगत तौर पर निरूपण करते हैं। अब महाराज जी आपके जीवन में कैसे आते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे जितने भी नए दर्शक आज इस क्रमांक को देख रहे हैं, उनके मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्या करना पड़ेगा महाराज जी से जुड़ने के लिए। आप सभी को मैं बता दूं, आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी से बस अपने मन की बात कह दीजिए। महाराज जी से महज इतना कह दीजिए कि महाराज जी मैं आपकी शरण में हूं, इस पूरी दुनिया के जंजाल से मैं पीछा छोड़कर आज आपके सानिध्य में आया हूं या आई हूं, तो महाराज जी मेरी विनती स्वीकार कीजिए, मुझे अपने सानिध्य में ले लीजिए। महज इतनी छोटी सी प्रार्थना से ही आप महाराज जी के हो जाएंगे। बस इतना ही करना है, सिर्फ इतना ही करना है। आप सभी सोच रहे होंगे क्या विशेष कोई गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, महाराज जी के धाम जाना जरूरी है, आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भ्रम में मत रहिए, किसी की बातों में मत आइए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अपने व्यक्तिगत अनुभव जब कोई साझा करता है तो उसमें कोई भी बात मिथ्या नहीं होती। इसीलिए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको ये बात कह रहा हूं कि मन से कोई भी छोटी से छोटी प्रार्थना, जो आप अपने शब्दों में भी कह सकते हैं, वो छोटी सी प्रार्थना महाराज जी के पास छोड़ आइए और उसके बाद सब कुछ भूल जाइए और अपने कार्य में वैसे ही लग जाइए जैसे आप पहले थे। अपने सभी कार्यों को वैसे ही करिए, कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। आपने प्रार्थना, आपने अर्जी महाराज जी के दरबार में लगा दी तो वही सब कुछ है। और आज से अभी से आपकी प्रार्थना के पश्चात आप महाराज जी के हो गए। जन्म जन्मांतरों का साथ आपने महाराज जी से मांग लिया। अब आपको करना क्या है, क्या आपको धाम जाना चाहिए? अब देखिए आपके मन में प्रश्न यही आ रहा होगा, महाराज जी के सबसे विशिष्ट धाम है जैसे नीप करौरी धाम है, श्री कैंची धाम है, तो आपको, यदि आप असमर्थ हैं, आप धाम जाने में भी असमर्थ हैं, अगर आप जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। यदि आप असमर्थ हैं, किसी भी प्रकार से आप नहीं जा सकते, तो आप घर बैठे भी महाराज जी को पुकारिए, हाथ जोड़कर, आंख बंद करके हृदय से याद करिए। देखिए आजकल तो बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, हमारे पास मोबाइल फोन है, कंप्यूटर आदि है, तो बहुत से उपकरण हैं जिसमें महाराज जी का चित्र आपको उपलब्ध हो जाता है। बहुत से अनन्य भक्त कहते हैं हमारे पास चित्र भी नहीं है। आपके पास चित्र नहीं है तो आप किसी भी आधुनिक उपकरण से, चाहे कंप्यूटर हो,
मोबाइल फोन हो, आप महाराज जी के चित्र को जो है उनके छवि चित्र को आप मोबाइल में निकाल सकते हैं, कंप्यूटर आदि से निकाल सकते हैं और वहीं पर उनके छवि चित्र को देखकर आप प्रार्थना कर लीजिए। हृदय से पुकारना ही तो है, हृदय से पुकार के आप महाराज जी के छवि चित्र के आगे अपनी बात कह दीजिए कि महाराज जी मैं इस जग से हार चुका हूँ, इस पूरे संसार से हार चुका हूँ, मैं आपका होना चाहता हूँ, आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। बस इतना ही तो करना है। इतना करने के पश्चात आपकी जो पुकार है, आपकी जो अर्जी है, वे महाराज जी के पास पहुंच गई। बस इतना विश्वास अवश्य करना है, क्योंकि विश्वास जब तक नहीं होगा आपके मन में संकोच होता रहेगा, संशय पैदा होते रहेंगे, जो कि सबसे ज्यादा आपको अंदर से तोड़ देते हैं। क्योंकि आपके मन में अविश्वास आ जाता है और अविश्वास जब आ जाता है तो आपकी भक्ति धीरे धीरे हीन होनी प्रारंभ हो जाती है, जो कि सही बात नहीं है। इसलिए विश्वास भी उतना ही होना चाहिए जो प्रार्थना आप अपने शब्दों में कर सकें। इसको मैं और आसान आपको बता देता हूं कि जो मैंने प्रार्थना बताई इसको इन शब्दों के अनुरूप अगर आप नहीं कह सकते, आप अपने शब्द बना लीजिए, अपने हृदय की पुकार, जैसे भी आप ईश्वर को याद करते हैं, अपने शब्दों में एक प्रार्थना बनाकर महाराज जी के नाम लगा दीजिए अर्जी, और उसके बाद आप देखिए जीवन में महाराज जी आपके हर पल, हर क्षण, हर पग पर, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समय, हर क्षण, पल पल आपके साथ होंगे। और महाराज जी का सानिध्य यदि आपको प्रत्येक कार्य में, चाहे वह छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, महाराज जी को बताकर करिए। मन ही मन कह दीजिए, महाराज जी मैं एक ये नया कार्य प्रारंभ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, महाराज जी मेरी परीक्षा है, मेरी सहायता कीजिएगा, महाराज जी मेरी लाज रखिएगा, महाराज जी मैं इस अमूक कार्य के लिए जा रहा हूँ, इस कार्य को बना दीजिएगा। हर कार्य में, छोटे से छोटे कार्य में, छोटे से छोटे कार्य में, बड़े से बड़े कार्य में महाराज जी को आप लेकर आइए, उनको जोड़िए और देखिए फिर आपके कार्य कैसे होते हैं। कोई कार्य नहीं रुकेगा, ये व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। कार्य लेकिन सही दिशा में होना चाहिए, अच्छे हित के लिए होना चाहिए, किसी के बुरे के लिए कोई भी अर्जी, कोई भी बात आप कहेंगे निश्चित तौर पर पूरी नहीं होगी, उल्टा आप महाराज जी को नाराज कर देंगे। महाराज जी वैसे तो बहुत दयालु हैं, लेकिन किसी का अहित नहीं देख सकते, इसलिए अहित की बात मत करिएगा। किसी के हित के लिए अगर कार्य कर रहे हो, किसी की सहायता हेतु कार्य कर रहे हो, तो आप यह सोच लीजिए आपका कार्य पहले से भी, सोचे हुए से भी बहुत अच्छा होगा। इसीलिए कहता हूं कि महाराज जी बहुत दयालु हैं, महाराज जी के सामने उनके सानिध्य में जाकर तो देखिए, आप उनके सानिध्य को प्राप्त करके देखिए। महाराज जी स्वप्न में आते हैं, स्वप्न में आकर निर्देश देते हैं, ना जाने किस वेश में आकर आपको कोई नया मार्ग बता दे। आपके जीवन की असमंजस होगी, उस असमंजस को सुलझाने के लिए महाराज जी स्वयं आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं किसी न किसी माध्यम से, और बाद में आपको याद आता है ये कोई और नहीं, स्वयं महाराज जी ही तो हैं। इसीलिए आपको मैं कहता हूं महाराज जी बहुत दयालु हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना इतना सुलभ है, इतना सुलभ है जैसे स्वयं से कोई चीज मांगना। स्वयं से कोई चीज अगर आप मांगना चाहते हैं तो आपको क्या संकोच होता है, क्या कोई परेशानी होती है? नहीं होती ना। तो ऐसे ही महाराज जी से अर्जी लगाकर कुछ भी कहना बड़ा ही आसान कार्य है। और बिल्कुल आप अपने मन में, एक बात मैं बता देता हूं, बहुत से प्रश्न आते हैं इस संदर्भ में कि हम महाराज जी के धाम जाना चाहते हैं, जा नहीं पाते, क्या महाराज जी के धाम जाए बिना उनकी कृपा नहीं मिलेगी? ये सब मिथ्या है। ऐसा सोचना यह सिर्फ आपकी बुद्धि का एक कारण हो सकता है कि आपने मन में यह व्यवधान बना लिया कि धाम जाकर ही कृपा मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता तो रहा हूं कि धाम जाने की आवश्यकता यदि नहीं लगती आपको, या आपकी सामर्थ्य के अनुसार वह कार्य नहीं हो सकता, तो आप बिना धाम जाए हुए भी महाराज जी के छवि चित्र के आगे कह दीजिए अपने मन की बात। मन की बात कहना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अपनी बात महाराज जी के सामने रखिए, उनसे प्रार्थनाएं कीजिए, हर कार्य में उनको शामिल कीजिए। मैं आपको यह बात दावे से कह सकता हूं कि प्रत्येक कार्य आपका बनेगा, प्रत्येक कार्य। लेकिन उस कार्य के पीछे कारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उस कार्य से किसी का अहित ना होना चाहिए और किसी की बुराई हेतु वह कार्य आपका नहीं होना चाहिए। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, एक अच्छे कार्य के लिए, एक अच्छे कारण के लिए वह कार्य होना चाहिए। तो महाराज जी प्रत्येक कार्य आपका बनाते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपके परिवार की रक्षा करते हैं, आपको आशीषों से भर देते हैं, आपके जीवन को सुखमय बना देते हैं। और क्या चाहिए आपको बताइए? ऐसा साथ
अब महाराज जी के एक ऐसे मैं चमत्कारिक वाक्य आपको बताऊंगा जो कि आप सबके लिए बहुत ही अद्भुत होगा, यह सुनना, इसका श्रवण करना बहुत अद्भुत होगा। महाराज जी कहते हैं कि जिस भी भक्त से एक बार मेरी प्रीत हो जाती है, जिस भी भक्त से मेरा जुड़ाव हो जाता है, जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, भले ही वह भक्त मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं असमय तक, अनंत तक उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। भले ही वह भक्त मेरा हाथ छुड़ाकर मुझसे दूर जाना चाहे, तो बताइए ऐसे महाराज जी कहाँ मिलेंगे आपको? इतनी दयालुता कहाँ मिलेगी देखने को आपको? ऐसा सानिध्य, ऐसा साथ, ऐसी सुरक्षा, ऐसा आशीष कहाँ और मिल सकता है? स्वयं बाबा जी के दरबार में, महाराज जी के सानिध्य में आकर तो देखिए, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आपके अंदर आध्यात्म की एक नई ओज, एक नया दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। आध्यात्म में जो लोग जाना चाहते हैं लेकिन आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, महाराज जी के पास आइए। जीवन में सफल होना चाहते हैं लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, कोई राह नजर नहीं आ रही, बहुत प्रयास कर ले लेकिन जीवन बदलता ही नहीं, परिवर्तित ही नहीं होता है, जस का तस है जीवन, महाराज जी के सानिध्य में आइए, सब कुछ प्राप्त होगा। महाराज जी एक ऐसी प्रतिमूर्ति है जो आपके प्रत्येक कार्य को बड़ी ही सुलभता के साथ, बड़ी अच्छाई के साथ और आध्यात्म के अनुरूप आपके जीवन को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हैं। महाराज जी के दरबार में शीश नवाने के बाद ना जाने अनगिनत कितने लोगों का जीवन क्षण भर में बदल गया, रातों रात बदल गया। बहुत सी प्रतिभूतियां हैं ऐसी, बहुत से विभूति गण लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से सार्थक कर लिया, तो आप क्यों नहीं? आप में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है आप में, आप भी वैसे ही मनुष्य हैं, आप भी वैसे ही मनुष्य हैं, वैसे ही प्राणी हैं जैसे बाकी लोग हैं। आप अपने आप को हीन मत करिए, महाराज जी के सानिध्य में आइए, प्रयास कीजिए महाराज जी की ओर पग बढ़ाने का। आप एक पग बढ़ाएंगे, महाराज जी अनगिनत पग आपके पास, आपके नजदीक आने के लिए बढ़ाते हैं। इतना अर्थपूर्ण जीवन हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, महाराज जी के सानिध्य में तो आइए। तो यह था आज का विशेषांक। इसी क्रम में और भी विशेषांक, इसको हम आगे एक कड़ी की ओर लेकर चलेंगे आप सभी की सहायतार्थ, ताकि आपके जीवन में भी महाराज जी के नए नए आशीष, नए नए अनुभव और महाराज जी की नई राह आपके जीवन में भी जुड़ सके। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।